मंच पे बैठे हुए जाने माने नेता और इस अच्छा मौके को हम सब लोगों को मौका दिए हुए किशोर पाशा जी और मोहम्मद अली शबीरी जी, कोंडा मुरली जी, जाने माने बड़े नेता मंच पे है और तेलंगाना कोने कोने से पिटाधिपति और मुतवली सब लोग इधर हाजिर हुए, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई मैं हैदराबाद से जब निकला तब मैं सोच रहा था मैं काजीपेटा दरगाह में जा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा दरगाह में फतवा देने के बाद अल्लाह मियाँ ने हुकुम जारी किए हम इधर आए रोकने वाले रोकने के लिए नहीं, बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए अल्लाह मियाँ हुकुम जारी किए हम इधर हाजिर हुए। आपके सबका दुआ हमारे साथ में रहना, क्योंकि आज के तारीख में कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो, उन गलत किए तो थोड़े ही लोगों को, थोड़े ही परिवारों को नुकसान पहुंचाएंगे, मगर इस देश में राजनीति का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जो आदमी राजनीति में है, जो आदमी MLA MP बनकर प्रदेश में और देश में सरकार बनाए, तो अगर वो आदमी का सोच अगर काम गलत है तो पूरा देश बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे जिम्मेदारी नौकरी हम निभा रहे हैं, इसीलिए हमारे सोच हमारे काम हमेशा अच्छा रहना, आम जनता के लिए हम लोग सोचना। मगर आज के तारीख में बुजुर्गों से मैं एक ही गुजारिश है, तेलंगाना हासिल कर तेलंगाना बना के 9 साल खत्म हो रहा है। प्रदेश में क्या हो रहा है आप लोग सोचो। प्रदेश में हम जैसा जैसा जिनको चुनाव में जिता के हम दिल्ली में भेज रहे, यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में हम जिस लोगों को बिठा रहे, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे शबीर भाई गवाह है। जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री जो जहाँ पर बैठते हैं उसके बगल में मस्जिद बनवाया था, जो सेक्रेटेरिएट में मुसलमान लोग जो नौकरी करते उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए। इसके अलावा भी कुली कुतुब शाही से लेकर निज़ाम तक वहीं सैफुबद्ध पैलेस के अंदर बड़ा मस्जिद थे नमाज पढ़ने के लिए। मगर तेलंगाना बनने के बाद अपने माइनॉरिटी भाइयों ने जिसको वोट देके जिताए वो मुख्यमंत्री बनकर जो सेक्रेटेरिएट में मस्जिद था उनको शहीद करवा दिए। ये ऐसे काम कोई सरकार कोई आदमी ऐसे कदम उठा सकते क्या आप लोग सोचो। क्योंकि उस दिन मैं और शबीर भाई ने हाई कोर्ट को गए, सरकार को हम लेटर लिखे, हम धरना किए, हाई कोर्ट में पिटीशन डाले। भाई एक जगह के बहुत कीमती है, मस्जिद हर जगह में रहता, मगर जहाँ पर मस्जिद है जहाँ पर मंदिर है उसको हटा नहीं सकते। किसी का कोई आदमी सोच, कोई आदमी उनके राय में किसी को मस्जिद को मंदिर को हटा नहीं सकते। पर आज तेलंगाना बनने के बाद आप लोग जो चुन के सरकार में बिठाया वो मस्जिद को शहीद किए, आप लोग सोचने का वक्त आए। और दूसरी बात, आज पूरा हिंदुस्तान में मज़हब के नाम पे, भाषा के नाम पे जहर पहला के देश को तोड़कर चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहा है। हमारे जिम्मेदारी नहीं है क्या ये रोकने का? भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर अपने बीच में दीवार खड़ा करके, अपने बीच में पंचायत लगा के जो आदमी चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, कुर्सी में सत्ता में बैठने के लिए जो आदमी कोशिश कर रहा है, उनको रोकने का जिम्मेदारी हमारे नहीं है क्या आप लोग सोचना है? हम भी सोचना है। और दूसरी बात, जो आदमी को हम लोग सेक्युलर समझकर, जो आदमी क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सबका नेता सबका सरकार सोचकर हम लोग जो आदमी को वोट दे रहा है, यहाँ पर
रमजान आए तो हमने को हमारे भाइयों को बिरयानी खिला रहे, कुर्बानी खिला रहे, मगर 4% रिजर्वेशन हमने दिए। शिबिर अली साहब खासकर बहुत मेहनत किया उसमें। आज के तारीख में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी से बन रहा है, 4% रिजर्वेशन से सरकार नौकरी मिले। 4% को 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था, 4 महीने कहाँ गया, 9 साल खत्म हो जा रहे। कभी एक 12% रिजर्वेशन के बारे में कभी सोचे क्या? सचार कमिटी के रिपोर्ट के मुताबिक दलित से भी बेहतर है मुसलमानों का गरीबी, मुसलमानों का जो आज जीवन दलित से भी बेहतर है। मगर सरकार ने, मैं आज हमारे भाइयों से सरकार को मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, आप डबल बेडरूम घरा दिए बोले, कितने परसेंट हमारे माइनॉरिटी भाइयों को मिले, आप हिसाब किताब बोलो बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। जब गरीब लोगों के लिए जो सरकार वेलफेयर कर रहा है, वो सरकार हर गरीबी माइनॉरिटी तक भी पहुँचना है, दलित के साथ साथ, पिछड़े लोगों के साथ साथ, आदिवासी गिरिजनों के साथ साथ, माइनॉरिटी को भी सरकार से जो वेलफेयर मिलना था आज के तारीख में नहीं मिल रहा है। जो सेक्युलर समझकर हम लोग वोट दे रहे हैं इधर, उनको बहुत ताकत दिए प्रदेश में सरकार दिए। दिल्ली जाने के लिए पिछले बार के 12-13 एमपी को दिए, इस बार 9 MPs को जिता के भेज दिए दिल्ली। वोट लिए अपना, मगर मदद दिए मोदी जी को। ट्रिपल तलाक में, 370 आर्टिकल में, नोटबंदी में, GST में, हर वक्त प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, हर वक्त जो आदमी सेक्युलर समझकर आप लोग वोट दिए, वो आदमी जाके सीधा सीधा मोदी को मदद दे रहा है। इसका मतलब अपना वोट से जो ताकत वाले बन रहे, अपने ताकत लेके और किसी को आज मदद दे रहा है। आज इसीलिए बार बार चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग दिल्ली में जो बैठे से लोग मजहब के नाम पर आज जहर फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गांधी परिवार के बारे में आप लोगों को पता है, आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, देश बनने के बाद इंदिरा जी ने कुर्बानी दिए, उसके बाद राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दिए, जब जब देश को दिक्कत आए तब तब गांधी परिवार ने कुर्बानी देकर ये देश को बचाए, ये देश को मजबूत किए। आज के तारीख में देश का 140 करोड़ जनता खतरा में है। ये खतरा को रोकने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए कोशिश किया। उनके कोशिश इतना कामयाबी हुए, आप लोग कर्नाटका में देखे वो कामयाबी। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाने के लिए जो नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, वो नेता लोगों को रोकने का जिम्मेदारी हर आदमी के ऊपर है। वो हर आदमी का जिम्मेदारी राहुल जी ने लिया हुआ है। राहुल जी ने देश को बचाने के लिए जान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोग उनके साथ में खड़े रहने के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, मैं ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं बोलूँगा, ज़्यादा और किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मगर आज तेलंगाना में जितने भी 50 इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस है माइनॉरिटी के, सब सारे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी के वक्त ने, वही समय पर हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मंजूरी किया, 4% रिजर्वेशन दिए, इंदिरा माँ घर दिए। तो हर गांव में जो मुसलमान के गरीब लोग हैं, चुन चुन के हम इंदिरा माँ घर दिए, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए। कहीं पर भी कम्युनल का कुछ कहीं मुद्दा उठे तो दबा के रखे हिंदू मुसलमानों को, हम लोग दो आंखें समझे, वोट डालने का मिशन नहीं समझे। हम हमारे भाई समझकर, हमारे साथी समझकर, हमारे परिवार समझकर, हमारी दो आंखें समझकर हिंदू मुसलमानों को इक्वली हम लोग चलाए। आज भी जब जब मौका मिले तब तब कांग्रेस पार्टी ने, कुर्सी में बैठे ना बैठे, कभी सरकार में रहे ना रहे, मगर कभी भी ये नीति हम नहीं छोड़े। आज के तारीख में मैं कांग्रेस पार्टी के सदर होने के नाते मैं एक बयान देना चाह रहा हूँ, दरगाह के अंदर ये नीति हम छोड़ेंगे नहीं।
हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर हम चलाएंगे इस देश में, नफरत को हरा देके मोहब्बत को जिताने के लिए हम लोग हमारा मेहनत करेंगे। आज के तारीख के जानमपार दरगाह से लेकर जहांगीर पीर दरगाह तक हम लोग मन्नत मांगने के लिए हम लोग आते, हम लोग जाते, इधर भी काजीपेटा दरगाह में भी हम हाजिर है। ये हाजिर मैं सोचा था मैं जान पूछ कर जा रहे हैं, नहीं, अल्लाह मियाँ ने हुकुम जारी किए मैं इधर आए। इधर हर तेलंगाना कोने कोने से जो बुजुर्गों नेता पीठाधिपति और मुतवली साहब सब लोग है, मंच पे भी बहुत बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोग हैं, आपके सबका दुआ चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ रहा तो तलवार से जो नहीं जीत सकता है आपके दुआ से हम जीतेंगे। ये नफरत फैलाने वाले को हराएंगे, जो मोहब्बत के दुकान खोलेंगे। जो राहुल जी ने कहा हिंदुस्तान में नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत फैलाने वाले को हराएंगे, जो शहीद किए ऐसे काम कभी भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपके आप लोग साथ में रहे तो हम जिता के दिखाएंगे, हम तरक्की करके दिखाएंगे। आपके दुआ आपके हमारे साथ में हमेशा रहने के लिए गुजारिश करते हुए दो शब्द मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।